दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं NP401 की। ये पूरा की पूरा एक गेम है जिसमें पूरा PS4 जैसा मॉडल है, PS2, PS3 जैसे रिमोट्स हैं और इसमें 4 से 10 हज़ार गेम्स हमें सब तरह के मिल जाएंगे, जैसे 8-bit के मारियो, मॉडल कॉम्बेट सेगा का, गेम बॉय, PS1, गेम बॉय एडवांस, मुस्तफ़ा। तो देखते हैं अब हम इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम ये बॉक्स खोल रहे हैं। तो इस बॉक्स में हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो है एक ये अडाप्टर, एक ये HDMI केबल, एक ये ऑडियो वीडियो। दोस्तों इस गेम की खासियत ये है कि आप चाहें तो इसे ऑडियो वीडियो से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे HDMI से भी कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI से कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपको ग्राफिक्स थोड़े अच्छे मिलेंगे, ऑडियो वीडियो में ग्राफिक्स थोड़े से डल रहते हैं। ये साथ ही साथ इसका एक मैनुअल है जिसमें इसके पूरे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, एक तरफ पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब हम देखते हैं हमारे गेम को। ये हमारा गेम है, पूरा की पूरा नया गेम है। साथ ही साथ हमें इसमें मिलेंगे 2 कंट्रोलर्स नए। ये कंट्रोलर्स USB कंट्रोलर हैं। इसका सेटअप बहुत ही इजी है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। ये अडाप्टर हम पावर प्लग में लगा लेंगे एक तरफ और इसका दूसरा हिस्सा हम इधर गेम के पीछे लगा देंगे। ऐसे ही हम HDMI केबल जो है वो TV में लगा लेंगे। और इसका दूसरा हिस्सा हम यहाँ गेम में लगा लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, या तो हम ऑडियो वीडियो लगाएंगे या HDMI केबल लगाएंगे, दोनों लगाना ज़रूरी नहीं है, एक ही चीज़ कोई भी काम करेगी। अब हम इसे TV में लगाकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमने पूरा हमारा डिवाइस सेटअप कर लिया है, दोनों USB सॉकेट में दोनों रिमोट लगा लिए हैं, HDMI केबल लगा ली है और अडाप्टर लगा लिया। अभी ये ऑफ है इसलिए ये रेड लाइट जल रही है, हम पावर बटन दबाएंगे तो ग्रीन लाइट जलने लगेगी और ग्रीन लाइट जब जलेगी तो ये चालू हो जाएगा। TV पे देखिए इस तरह से वो डिस्प्ले आने लगेगा ग्रीन लाइट आने पे। अब हम देखें इसे कैसे यूज़ करेंगे। इसमें ये सबसे पहली कैटेगरी है सुपर निटेंडो, इसमें पुराने गेम्स आते हैं जैसे अलादीन जो हम बचपन में खेला करते थे, ये अलादीन और इस तरह के बहुत सारे गेम्स इसमें अवेलेबल हैं। देखिए इसमें करीबन 756 गेम्स हैं। ऐसे ही हम इससे बाहर निकलते हैं। अब हमें मारियो कॉन्ट्रा वाले गेम चाहिए तो ये इसमें मिलेंगे सुपर इंटरटेनमेंट सिस्टम में। इसमें हम अंदर जाएंगे तो S में हम जाएंगे तो हमें सुपर मारियो गेम मिलेगा। ये सुपर मारियो 624 नंबर पे है। हमने ये गेम चालू किया, अभी ये हमारा सुपर मारियो चालू हो गया है। अब हम ये मारियो खेल रहे हैं। अब जैसे इस गेम को खेल लिया हमें इससे बाहर आना है तो ये चारों बटन एक साथ दबाएंगे और 1 बटन दबाएंगे इसके बाद तो ये गेम से क्विट कर लेगा। इसी तरह से हम किसी भी गेम को चालू कर सकते हैं। ऐसे ही ये कैपकॉम के जो गेम्स आते थे, ये वर्सेस वाले गेम्स आते हैं, इसमें भी बहुत सारे गेम्स हैं, वर्सेस के गेम्स हैं। ऐसे ही ये कैपकॉम के हायर वर्जन के प्लेस्टेशन के गेम्स आते थे, स्ट्रीट फाइटर, कैपकॉम के मार्वल एवेंजर्स, मार्वल सुपर हीरोज, स्ट्रीट फाइटर, एक्समैन, तो ये सारे गेम्स भी हम इसमें खेल सकते हैं। इसमें और कैटेगरीज़ भी हैं, आर्केड में पुराने गेम्स आ जाएंगे, सेगा जेनेसिस में मेगा ड्राइव सेगा का मॉडल कॉम्बेट आ जाएगा, जैसे हम अभी हम मॉडल कॉम्बेट चालू करें तो M में जाना पड़ेगा हमको। इसमें भी बहुत सारे गेम्स हैं। ये हमने मॉडल कॉम्बेट चालू किया। अब जैसे कई लोगों को ये गेम बहुत पसंद था, इसके टाइम का सबसे फेमस गेम था मॉर्टल कॉम्बैट 2 प्लेयर में, इसमें फैटलिटी हुआ करती थी। अब जैसे ये गेम हमने खेल लिया तो अगेन हम ये चारों बटन एक साथ दबाएंगे और इसके बाद 1 बटन दबा देंगे तो ये इस गेम से क्विट कर लेगा।
इसमें एक खासियत और भी है, कोई गेम हमें फेवरेट मार्क करना है तो हम फोर बटन दबाएंगे तो वहाँ पर स्टार लगा आ जाएगा और वो फेवरेट में मार्क हो जाएगा, मतलब ये हमें फेवरेट है, हमें ये गेम पसंद आया है। ऐसे ही टू बटन दबा के बैक किया हमने ये। ऐसे ये सबसे अच्छी कैटेगरी है प्ले स्टेशन, सोनी का जो ओरिजिनल प्ले स्टेशन आता था उसके गेम्स इसमें हैं, जैसे कैसलवेनिया, कॉन्ट्रा, डायनो क्राइसिस, रेसिडेंट ईविल। कार रेसिंग का गेम चाहिए तो ग्रैंड टूरिज्मो, ये कार रेसिंग का है। रेसिडेंट ईविल इसमें सबसे चलने वाला गेम्स था। इसमें एक स्ट्रीट फाइटर के गेम्स हैं। और ऐसे ही ये एक फेवरेट कैटेगरी है, जो भी गेम आपने फेवरेट में डाला है, जैसे आप प्ले स्टेशन में गए और आपको ये कॉन्ट्रा गेम बहुत पसंद है तो आप इस पर फोर दबाएंगे तो ये स्टार लग गया, तो ये बेसिकली आपने फेवरेट में डाल लिया। अब फेवरेट कैसे खोलेंगे, हम यहाँ फेवरेट में गए और फेवरेट में हमने वन दबाया तो ये सारे गेम्स हमने हमारे फेवरेट्स में डाल रखे हैं। अभी जैसे हमें कॉन्ट्रा चालू करना है तो वन दबाएंगे तो कॉन्ट्रा हमारा चालू हो जाएगा। अगेन इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो ये चारों बटन दबाएंगे, ओवन बटन दबा के इससे बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से हम कोई भी गेम चालू कर सकते हैं। ये हमारा पुराना जो कॉन्ट्रा 8 बिट में सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया करता था वो चालू हो गया है। इसमें वापस आने के लिए चारों बटन L1, R2, R1, R2 देन वन बटन दबा के हम इससे बाहर आ जाएंगे। इसमें यहाँ पर सेटिंग्स भी हैं कुछ, हम लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, हाँ गेम्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, इन्हें हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें हम और गेम भी डालना चाहें तो मेमोरी कार्ड में डाल सकते हैं, पेन ड्राइव में डाल सकते हैं। धन्यवाद।